और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी ओबीसी और एसटी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अमित शाह के बारे में 4% निकाल देता हूँ, पैसा निकाल दे जल्दी, बीजेपी हसद करती हमारे बच्चे गवर्नमेंट के मुलाजिम बन रहे, गरीब तरक्की कर रहा है, इनको पसंद नहीं आता। आपने ये भाषण सुना, देश में चुनावी माहौल है और किस तरह से नेता हमारे वोट मांग रहे हैं। तेलंगाना में जो विकास नहीं हुआ उसका मसला यह है कि 4% आरक्षण जो है वो मुसलमानों को दिया जाता है। संविधान में आरक्षण का प्रावधान है और जो निचली जाति के लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं यानी कि ओबीसी और माइनॉरिटी, उनको आरक्षण दिया जाता है। 96% आरक्षण जिन्हें दिया जाता है उनका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन 4% आरक्षण गरीब मुसलमानों को भी दिया जाता है। इस पे बात कर रहे हैं हमारे देश के गृह मंत्री और ये बता रहे हैं कि ये 4% आरक्षण भी आप लोगों को दे दिया जाएगा जिससे तेलंगाना में विकास होगा। ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी ओबीसी और एसटी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। सरकार ये बताए कि जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां पर आरक्षण का क्या हाल है, क्या वहां पर सबको रोजगार मिल चुका है। यहां पर माननीय अमित शाह जी ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार तेलंगाना में आती है तो हम 4% आरक्षण भी आपको दे देंगे, यानी कि सारे के सारे रोजगार आपको दे देंगे, बस आप हमें वोट दे दो और हमारी सरकार बनवा दो। क्योंकि जिन स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर कोई भी युवा अभी तक बेरोजगार नहीं है। तेलंगाना में बेरोजगारी इस वजह से है कि 4% आरक्षण गरीब मुसलमानों को मिल जाता है, बस ये जब खत्म कर दिया जाएगा तो सारा विकास यहाँ पर आपको नजर आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्शन में मुद्दों की कमी हो गई है और मुद्दा लास्ट में आके वही हिंदू मुसलमान का हो गया है। यानी कि बताना ये मकसूद है कि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करेगी, आप हमें वोट दो। लेकिन इसका जवाब असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। मैं ओवैसी साहब की एक बाइट सुनवाता हूं आपको कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या जवाब दिया। मैं 4% निकाल देता हूं, ऐसा निकाल दे, सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे है वो, उसे मजहब के नाम पे नहीं मिल रहा। पीएस क्रिश्चियन की रिपोर्ट है, उसमें जो मुसलमानों की बिरादरियां कास्ट है उनको रिजर्वेशन है। जल्दी बीजेपी हसद करती हमारे बच्चे गवर्नमेंट के मुलाजिम बन रहे, डॉक्टर बन रहे, पुलिस में जा रहे, एमआरओ बन रहे, गरीब तरक्की कर रहा है, इनको पसंद नहीं आता। कहीं ऐसा ना हो कि इस नफरत की आग में आप भी जल जाएं। किसानों ने जब आंदोलन किया तो उन्हें खालिस्तानी बताया गया। जंतर मंतर पे हमारी महिला पहलवान बैठी रही, उनकी किसी ने सुध नहीं ली। अभी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यानी कि चुनाव में सिर्फ यही एक मुद्दा है और इसी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। पहले राजनीति रोटी कपड़ा और मकान, इन तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब हमारी राजनीति सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पर आकर अटक गई है।